So good morning guys, we are going to the Krishna Janmabhoomi. It's a final day in Vrindavan or in Mathura. So चलिए वही चलते हैं। तो मामा कंस की नगरी है, यहाँ पे उनके माता पिता कन्हैया जी के दोनों बंदी बना रखे थे मामा कंस ने, लेकिन जन्म स्थान जिसको कहते हैं वो जन्म स्थान जन्मभूमि के नाम से, यहाँ पे कन्हैया जी का एक 10x10 के कमरे में जन्म हुआ था। यहाँ पे पैदा हुए थे कन्हैया जी, मात्र 3 मिनट रुके थे। गोकुल धाम एक बार कर लेना, जो समझो उसको 3 हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये कन्हैया जी के माता पिता का धाम है। यशोदा मैया ने यहाँ पे मनोकामना मांगी थी, देवकी का जो 8वां पुत्र हो वो मेरी गोदी में आए। तो जब कन्हैया जी पैदा हुए तो ऐसा चमत्कार हुआ कि सबरे दरवाजे अपने आप खुल गए, सारे पहरेदार सो गए। वासुदेव जी यहाँ से कन्हैया जी को लेके गए तो उनने जाके यशोदा मैया की गोदी में कन्हैया जी को रख दिया, तो उनकी पहली मनोकामना पूरी हो गई। दूसरी मनोकामना क्या थी कि मेरी गोदी में आके आंखें खोले। कन्हैया जी जब आंखें खोली तो यशोदा मैया की गोदी में ही खोली। तीसरी मनोकामना क्या थी यशोदा मैया की, मेरे हाथों से माखन मिश्री खाए, तो उन्हीं के हाथों से उंगलियों से उनने कान्हा जी ने माखन मिश्री का भोग लगाया। चौथी मनोकामना क्या थी कि इस घरांगन में खेले कूदे बड़ा हुए, तो कन्हैया जी ने पहली बार जो बच्चा घोटू चलता ना अपने घर में, तो इसी मकान में कन्हैया जी घोटू चले थे। तो कान्हा जी ऐसे ही थे बाल गोपाल रूप, तो माटी खाली थी उन्होंने, माटी खाली तो यशोदा मैया बोली कि कान्हा माटी खाई, तो बोले कान्हा ने मुंडी लाई, बोले नहीं मैंने माटी नहीं खाई, बोले नहीं खाई तो मुंह खोला, उन्होंने मुंह खोल दिया, बच्चे तो सही बोलो मुंह खोल दिया, तो उनको ब्रह्मांड के दर्शन हो गए अंदर। तो ये तो यमुना जी आ गई। ये यमुना जी का पुल है आपका, 1 किलोमीटर का है पूरा। अच्छा बिल्कुल। सो गाइस हम एंटर कर चुके हैं गोकुल, जहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा का बचपन बीता है। 11 साल 52 दिन उन्होंने इसी जगह पे बिताए। देखिए आगे बोर्ड भी लगा है गोकुल का। सो गाइस वी आर इन गोकुल, और ये देखो हमारे छोटे कान्हा भी चल रहे हैं साथ में। राधे 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 राधे। दो धर्म बढ़ाए, पहला बोलते हैं कन्यादान, जो घर में बहन बेटियों का किया। गोकुल में भले हमारे में गौ दान, जो 60 वर्ष की उम्र में सबसे पहले नंद यशोदाने की, गोकुल बोलते हैं। वैसे उसका नाम है गौकुल। अच्छा 9 लाख 9 लाख गौ दान की, तब जाके उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई है। ये कृष्णा का माकन चोर गली, जो कृष्णा मटकियों को घोर के भागे, वो इन गलियों में भागे। लूट लूट माकन खायो, नाम माकन चोर कहलायो, यहीं से उनका नाम माकन चोर पड़ गया। बोलिए माकन चोर भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय श्री राधे। सो गाइस यही वो गलियां हैं जिनमें लॉर्ड कृष्णा माखन चोरते थे। श्री भद्र गोकुल चंद्रमा जी द्वार, यहाँ से हम चलेंगे अंदर गाइस। राधे 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 राधे। ये बाजू जो रास्ता देखते हो सर, ये बाजू बोलते हैं यमुना नदी। उनके पिता जो चोरी करके लाए ना यमुना नदी से कृष्णा को, इसी रास्ते से चोरी करके लाए। कृष्णा वृंदावन जाओगे या होके आए हो, सब जगह पे देखने के लिए कौन मिलेंगे कृष्ण। आए आयो गोकुल में, यहाँ कृष्ण नहीं है, यहाँ अपना बाल कृष्ण, छोटा सा रूप। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। राधे। ये नंद यशोदा भवन, मथुरा वृंदावन सब जगह पे मंदिर, ये नंद यशोदा भवन, नंद बाबा का घर। आप लोग हम लोग जो जन्माष्टमी का व्रत मनाती है वो इसी घर का बनाया जाता है। नंद घर आनंद भाई और जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की। सो गाइस अभी हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ का मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगा, तो मिलते हैं दर्शन के बाद। ये कान्हा जी का छठी जब हुई थी, छठे दिन जो हम लोगों के यहाँ छठी पूजी जाती है, ये उनकी छठी का मंदिर बना हुआ है। दर्शन करने तो हम आ गए, अब यहाँ पे मनोकामना दे दी है, यहाँ पे आपको मनोकामना मांगनी होती। सो दर्शन होने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। सो गाइस ये है माटी प्रसाद, ये जब छोटे थे उन्होंने मिट्टी खा ली थी, और माँ ने जब उनका मुंह खोला तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखा था, तो ये वही माटी है। सो गाइस चल रहे हैं वापस गोकुल के दर्शन में। नीतू कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज गोपाल स्वरूप जी के दर्शन हो गए, लड्डू गोपाल। ये सड़क है जो आगरा जा रही है, और यहाँ पे हम कुछ खाने के लिए रुके हैं, श्री यमुना जी फैमिली रेस्टोरेंट। बढ़िया खाना है, बहुत बढ़िया। और ये जा रही है गोकुल,
चलिए खाना खाते हैं। आई लव गोकुल और नीचे हमारा मोटा, मोटे का खाने के नाम से देखिए मिलियन डॉलर स्माइल हो जाती है। मंगा रखी शाही पनीर भर भर के खाने वाली है ना। ये पंडित जी, पंडित जी तो मेरी डिसाइड कर रहे हैं। सो हम लोग आ गए हैं श्री यमुना जी ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी और रेट भी इनके बहुत सही है अगर आप देख रहे हैं तो। यस द मेन्यू। सो गाइस ये खाना आ गया, देखिए इन्होंने पनीर साफ कर दी मोटे आदमी ने सारी। वेरी गुड, ये रोटी आ गई हमारी, ये है पालक पनीर, शाही पनीर, और ये क्या है सैंडी? सेव भाजी है ये। सेव भाजी महाराष्ट्र में और राजस्थान में बहुत चलती है, थोड़ा सा इसको भी ट्राई करेंगे। पालक पनीर इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया बनाई है। शाही पनीर इज वेरी वेरी गुड, पालक पनीर का अच्छा इनका शाही पनीर है। गाइस खाना पीना हो गया, बस अब चलते हैं। देखिए बोल रहे गाड़ी खोलो, दो जोर लगाओ, गाड़ी तो कब के खुली हुई है। चलिए आगे चलते हैं। गाइस अब हम चल रहे हैं, कहाँ चल रहे नीतू? कृष्ण जन्मभूमि या कृष्ण जन्मभूमि? जन्मभूमि तो जन्मभूमि, माँ के नीचे हलंत होता है पता है ना तुम्हें? हाँ तो इसीलिए तो जन्मभूमि बोलती हूँ। हिंदी में कितने आए थे तुम्हारे? देखिए गाइस पंडित जी बहरहाल आगे चल रहे हैं और हमारी बीवी, हमने बोला फुकती बहुत है पिछले ब्लॉग जी। लुक एट सो मेनी ऑफ देम। अच्छा विकू के हाथ से चिप्स छिला है, चिप्स छिला है, बंदर चिप्स छीन के ले गया, ले गया। जो पुलिस अंकल से बोलो वो खड़े देखो। आप पे कंप्लेंट करना है पुलिस कंप्लेंट, बंदर चिप्स ले गया। चलो हो गई कंप्लेंट, अब अंकल ले लेंगे चिप्स, ठीक है। से आगे मोबाइल बना है, सो यहाँ पे हमें मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। बाकी ये कोवलिया हाथी वध स्थल है, यहाँ पे जो कंस का हाथी था कोवलिया उसका वध किया था श्री कृष्ण ने। अब इससे आगे तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता हूँ। तो गाइस कृष्ण जन्मभूमि हम देख के आए हैं, कैसा लगा नीतू? बहुत अच्छा। तो वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है और बगल में एक नया मंदिर बना है राधा कृष्ण का। सो दैट वाज द प्लेस वेयर लॉर्ड श्री कृष्ण वाज बॉर्न। खाली 3 मिनट ट्रेन, देन वासुदेव जी उनको लेके चले गए थे वहाँ पे। हाँ फोन अलाउड था नहीं वहाँ पे। तो चलिए बस अब यहाँ बंदरों का थोड़ा डर है तो यहाँ से थोड़ा बाहर निकल के आपसे वार्तालाप करेंगे। मेरे ख्याल से अंदर ये मार्केट है यहाँ की कृष्ण जन्मभूमि की। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं पार्किंग पे।